वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली ह्यूज फ्लिपकार्ट एंड नायका हॉल। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। क्रिसमस सेल, ईयर एंडिंग सेल, बहुत सारी सेल चल रही थी बहुत सारे ऑनलाइन यू नो ऐप पे, तो इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ चीजें प्रोडक्ट परचेस किए हैं, वो मैं पहले शेयर करूंगी, उसके बाद मैं नायका हॉल में जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जो फ्लिपकार्ट से लिया है वो है वाव की ऑनियन हेयर शैम्पू। आप देख सकते हो मेरे पास वाव की जो अनियन हेयर मास्क है वो वाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मेरी शैम्पू खत्म हो चुकी थी, तो मैंने ये वाली जो शैम्पू है इसको ट्राई करने की सोची। तो इसकी प्राइस है 499 रुपीज, लेकिन मुझे ये 250 रुपीज में मिला है। और उसके बाद मैंने परचेस की है स्विस ब्यूटी की लिक्विड आई शेडो की पैकेट। आप देख सकते हो इसमें आपको 6 शेड मिलते हैं, लिक्विड आई शेडो है ये, शिमर आई शेडोज कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है, आप देख पा रहे हो। ये जो आई शेडोज है बहुत ही ज्यादा पिगमेंट है, इसकी जो प्राइस है 550-540 रुपीज में मुझे मिला है, कोई भी इसमें प्राइस जो है मेंशन नहीं है, तो इस तरीके की पैकेजिंग में आती है आप देख सकते हो। और इसकी पिगमेंटेशन आप देख सकते हो, काफी ज्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छी एक आई शेडो है। और इसकी जो फुल रिव्यू है मेरे चैनल पर अपलोडेड होगी बहुत जल्द, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। उसके बाद मैंने लिया है प्लम की ग्रीन टी मॉइस्चराइजर, दिस हैज बीन माई फेवरेट मॉइस्चराइजर, इसलिए मैंने इसको रिपर्चेस किया है। इसकी प्राइस है 470 रुपीज, लेकिन मुझे ये 250 रुपीज में मिला है। उसके बाद मैंने परचेस किया है मेबलिन की मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन दी शेड मोल्टन गोल्ड। आप देख पा रहे हो मेरे पास कोई भी गोल्डन कलर का हाइलाइटर नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वाला हाइलाइटर जो है परचेस किया है। आप देख पा रहे हो बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बटरी है इसकी फॉर्मुलेशन, और बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। इसकी प्राइस है 550 रुपीज, लेकिन मुझे ये 351 या फिर 354 रुपीज में मिला है। बाद मैंने परचेस की है फेसेस कनाडा की ऑल टाइम प्रो HD लिपस्टिक्स, आप देख सकते हो इस तरीके की पेन की तरह है, और इसमें मेरी शेड है बोल्ड वाइन और मैग्नेटिक। मुझे ये लिपस्टिक काफी दिनों से लेना था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने इसकी बहुत ज्यादा रिव्यू देखी है, तो इसलिए मैंने लिया है। इसकी प्राइस है 749 रुपीज, लेकिन मुझे ये 350 रुपीज में मिला था। ये है आपकी शेड, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, ये है बोल्ड वाइन वाला शेड। उसके बाद मैंने लिया है फेसेस कनाडा की आईलाइनर, मैग्नेटिक आईलाइनर, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है, तो इसकी प्राइस है 249 रुपीज, लेकिन मुझे ये 150 रुपीज में मिला था। उसके बाद मैंने लिया है मिस क्लियर की आईलाइनर्स, एक है सिल्वर एक है गोल्ड। उसके बाद मैंने परचेस की है लैक्मे की फॉरएवर मैट लिक्विड लिपस्टिक, ये एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, तो मैंने सोचा कि एक ट्राई करके देखूं। तो इसमें मेरी शेड है मॉव पार्टी, अभी मैंने इसको वेयर किया है। मैंने परचेस की है एले गर्ल की प्रो कॉन्टोर पाउडर किट, इसमें आपको एक हाईलाइटिंग शेड मिलती है और कॉन्टोर शेड मिलती है। हाईलाइटिंग शेड तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी मेरी स्किन टोन से डार्क है, लेकिन जो कॉन्टोर शेड है बहुत ही अच्छा है। इसमें मेरी शेड है मीडियम डीप, और इसकी प्राइस है 675 रुपीज, लेकिन मुझे 335 रुपीज में मिला था 50% ऑफ में। आते हैं नायका हॉल में, तो नायका से मैंने बहुत 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 सारी चीजें खरीदी है। तो सबसे पहले मैंने जो खरीदी है वो है शुगर की बेस द ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर, इस पे 10% या 20% ऑफ चल रही थी। इसमें मेरी इसमें जो प्राइस है 799 रुपीज है, आई थिंक मुझे 720 या फिर कुछ में मिला है। उसके साथ मैंने परचेस किया है शुगर की लिपस्टिक स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड ब्रिंक ऑफ पिंक। शुगर में एक ऑफर चल रहा था कि अगर आप 999 के ऊपर खरीदते हो तो आपको एक
सेट मिलेगी लिक्विड लिपस्टिक की, स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक की छोटी वाली सेट, कुछ इस तरीके की आती है। इसमें मेरी शेड है बोल्ड, तो इसमें मुझे टीक मिस्टिक, ड्रॉप डेड रेड, प्लम याम एंड फियरी बियरी, ये चारों शेड मुझे मिले हैं। आई लव्ड इट। उसके बाद मैंने परचेस किया है बायोटिक की मॉर्निंग नेक्टर फेस क्रीम, जो है डे क्रीम। विंटर्स चल रही है तो थोड़ी मेरी स्किन जो है ड्राई हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस मॉइस्चराइजर को एक बार ट्राई करके देखूं। उसके बाद मैंने परचेस किया है स्विस ब्यूटी की दो पिगमेंट्स, लूज पिगमेंट्स है ये, आप देख पा रहे हो इसकी पैकेजिंग में आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही छोटू सी है, बहुत ही क्यूट इसकी पैकेजिंग है और इसकी पिगमेंटेशन वाव है जस्ट। इसमें मेरी शेड है 02 एंड 04, एक गोल्ड है और एक समथिंग कॉपरी शेड है और इसकी प्राइस है 134 रुपीज। उसके बाद मैंने लिया है पैक कॉस्मेटिक्स की काजल, आप देख सकते हो इस तरीके की ब्यूटीफुल सी पाउच में आती है। एक साइड आपको ये काजल मिलेगा, इसमें मेरी शेड है जो है स्किन कलर है और एक टाइप आपको इस तरह की स्मजर मिलेगी। उसके बाद मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड की दोनों ब्रश, ये उनकी प्रो ब्रश सेट में से आता है, दोनों ही मैंने 50% ऑफ में लिया है। एक है ब्लश ब्रश और है एक पाउडर ब्रश। उसके बाद मैंने परचेस की है वादी हर्बल की ये स्ट्रॉबेरी लिप बाम, इसकी प्राइस है 40 रुपीज आई थिंक। उसके बाद मैंने लिया है पैक कॉस्मेटिक्स की ब्यूटी स्पंज, ये दोनों का सेट है, अल्टीमेट ब्लेंडर सेट, इस तरीके की पाउच में आती है। मैंने इसको खोला भी नहीं है, ट्राई भी नहीं किया है, तो ये पाउच में ही है। इसमें आपको दोनों ब्लेंडर मिल जाते हैं। परचेस किया है नाइके की बफ मास्टर ब्रश क्लीनर, ये एक सिलिकॉन ब्रश क्लीनर है, ये भी मुझे सेल प्राइस में मिला है, आई थिंक 209 में मिला है, इसकी प्राइस है 299 रुपीज। उसके बाद मैंने परचेस किया है बायोटिक की बायोडेंडोलियन सीरम, ये बहुत ही अच्छी एक सीरम है, मेरी सेकेंड परचेस है, मुझे बहुत पसंद है ये सीरम यूज करना, बहुत ही अच्छी एक सीरम है, तो इसको मैंने परचेस किया है। उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने लाइका की लग्जरी स्टोर से कुछ परचेस किया है, सॉरी फॉर द साउंड, आप देख पा रहे हो इस तरीके की बॉक्स में आई थी वो, और उसके अंदर ऐसी टाइप की यू नो पिंक कलर की पाउच मिलती है। मैंने मैक के प्रोडक्ट्स मंगाए थे, तो मैक में मैंने लिया है प्रेप प्लस प्राइम, ये जो फिक्स प्लस है, जिसको इस तरीके की पैकेजिंग में आती है, पहली बार मैंने लिया है। उसके बाद मैंने लिया है सेकंड कहा गया मैक की स्टोप क्रीम, जो छोटा वाला मिनी वाला वर्शन होता है, मैंने वही वाला लिया है, आप देख पा रहे हो, क्योंकि आप 3000 ऊपर के अगर शॉपिंग करते हो तो उसमें एक सेल चल रही थी कि आपको एक फुल साइज लिपस्टिक, एक मिनी स्ट्रोक क्रीम और एक ऐसा पाउच मिलेगा, तो इसलिए मुझे ये मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पाउच मिला है, आप देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर सी एक पाउच है, गुड क्वालिटी है और इसमें लव मी ऐसा लिखा हुआ है इस टाइप का, अंदर से ये कुछ इस तरीके का दिखता है। उसके बाद मिला है मुझे फुल साइज का एक लिपस्टिक, इसमें बहुत सारी यू नो ऑप्शंस थी, मैंने ये लिक्विड लिपस्टिक लिया है। इसमें मेरी शेड है 10 मैट विथ लव, इट्स अ ब्यूटीफुल पिंक कलर। उसके बाद मुझे मिला है छोटू सी स्टोप क्रीम। सो गाइज, ये थी मेरी आज की हॉल वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आने वाली वीडियो के लिए स्टे ट्यून भी रहिएगा। सो बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।